महाभारत काल से चला आ रहा 64 आज लूडो की शक्ल ले चुका है। काफी लोगों के लिए लूडो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इमोशन है। यहाँ लोग हार जीत में असल में एक दूसरे के सर फोड़ देते हैं। अगर ऑफलाइन लूडो की बात की जाए, चारों को एक ही घर में पहुँचना है और हर कोई इस घर में जरूर पहुँचेगा, पर सबसे पहले पहुँचने की रेस में चारों एक दूसरे की गोटी काटते रहते हैं। यूं तो चार दोस्त इस गेम को खेलते हैं, वहाँ हमें पता चलता है दोस्त कौन है और सांप कौन। जोक सपाट, अगर ऑनलाइन लूडो गेम की बात की जाए तो यहाँ कोई किसी को नहीं जानता और हर कोई अपना अपना गेम खेलता है उस कॉमन घर तक पहुँचने के लिए। अब अगर उसके घर तक पहुँचने के रास्ते में जो कोई आता है वो उसे इस गेम की रेस में पीछे करने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो चार प्लेयर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की है अनुराग बसु ने। हम उनके डायरेक्शन पर जरा भी शक नहीं कर सकते। बर्फी, लाइफ इन अ मेट्रो, गैंगस्टर और मर्डर जैसी शानदार फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले अनुराग बसु इस बार फिर एक शानदार मूवी लेकर आए हैं। बॉलीवुड में ऐसे ट्रेलर कम ही बनते हैं जिन्हें देखने से मूवी की स्टोरी समझ में ना आए, पर इस बार ऐसा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पर मूवी पहले भी बन चुकी है, पर खूबसूरती से दिखाने का श्रेय तो बासुदा को ही जाएगा। यहाँ चार कहानी चलती है। एक है अनाड़ी चोर की, जो कि नया नया किडनैपिंग के धंधे में आया है और वो ऐसी सातिर बच्ची को किडनैप करता है जो कि उसे अपने इशारों पर नचाती है। दूसरी कहानी एक ऐसे आशिक की, जिसका प्यार किसी और से शादी कर लेता है, पर वो प्यार फिर से उस आशिक की जिंदगी में आता है और ये जनाब उसके कहने पर उसके पति को जेल से भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरी कहानी एक ऐसे कपल की जिसमें लड़का सेटिस्फेक्शन चाहता है और लड़की सारे ऐसो आराम। चौथी कहानी है दो ऐसे लोगों के जिनके हाथ लगते हैं करोड़ रुपए। बस अब रुपए हैं तो गैंगस्टर भी होगा। अब लूडो के चार प्लेयर और उसकी गोटियां ये निर्धारित तो हो गए, पर एक डाइस ही है जो इन सबको बांध कर रखता है। डेट मींस इन सब में वो कॉमन है और इसी की वजह से ये चार लोग एक दूसरे की गोटियों को काट पाते हैं। बस यहाँ डाइस का रोल प्ले किया है हमारे कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी ने, जो कि एक गैंगस्टर बने हैं और कैसे इनकी वजह से ये चार कहानी आपस में कनेक्ट होंगी ये हमें देखने मिलेगा। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट की। बहुत टाइम से नेट पर वायरल हो रहा है एक पोस्टर और उसके मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज, इलेक्ट्रो भी इस मूवी में होंगे, पर एक खास बात ये स्प्रेड हो रही है कि इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा, जिस वजह से 2002 में आई टॉबे मैगर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन भी अलग अलग यूनिवर्स से आकर टॉम हॉलैंड यानी एवेंजर वाले स्पाइडरमैन के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये र्यूमर नेट पर काफी टाइम से चल रहा था। चूंकि टॉबे मैगर का टीन स्पाइडरमैन मूवी और एंड्रयू गारफील्ड का दो स्पाइडरमैन मूवी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए इस एक्साइटिंग र्यूमर के सच होने के चांसेस कम ही हैं। पर सोनी ने हाल ही में इस र्यूमर को लेकर कहा कि दोज र्यूमर कास्टिंग आर नॉट कंफर्म, मींस कि सोनी ने इस र्यूमर से इनकार भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि ये रूमर सच हो। सोनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और इलेक्ट्रो तो इस मूवी में है ही, और एक लॉजिक देखा जाए तो इलेक्ट्रो का रोल वही एक्टर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में इलेक्ट्रो का रोल प्ले किया था। इसका मतलब इलेक्ट्रो डिफरेंट मल्टीवर्स से आएगा। अब अगर इलेक्ट्रो का यूनिवर्स अलग है तो क्या स्पाइडरमैन अलग यूनिवर्स से नहीं हो सकते? इसलिए ये पॉसिबल है कि अलग अलग यूनिवर्स से हमें ये दो स्पाइडरमैन देखने मिले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी वीडियो बनाते रहने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।